बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, तो सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाशे होंगे और जी मज़े में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं दम बिरयानी। इनू तुम वेख के ना आप ही कहना कि भुखा लेंदिया बियाँ वेख वेख के, जब आपने बनानी ना फिर आपने कहना वाह गुलाम अली वाह मज़ा आ गया। तो जी आपने सारे काम छड़ छड़ा के ना इसको ना बनानी शुरू कर देनी, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चले जी अपनी दम बिरयानी बनानी शुरू करते हैं। जी आधा कप दही ले लिया, उसके अंदर डाल दिया है जी हमने बिरयानी मसाला और खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और नमक डाल दिया। ठीक है जी, ये दही के अंदर सारे मसाले डाल के इसको मिक्स करके चंगी तरह, और आपने ना चिकन को लगा देना है। चिकन धो लिया था, धोने के बाद 1 kg चिकन है, इसको लगा के ना आपने मैरिनेट करके साइड पर रख देना। ठीक है, अच्छा जी अब लेने हैं आपने 3 से 4 बड़े प्याज, ताकि इसका मसाला बनाना है। जब मसाला बनेगा ना तब भी स्वाद आएगा आपको। ठीक है, ये जी चिकन बना के ना मैरिनेट सारा करके रख दिया था, लीमू पाना मैं भूल गया सी ते वो भी डाल दिया। ठीक है, और अच्छा ये मैं बता दूँ, ये बिरयानी मैं नहीं बना रहा, ये मैं पास खड़ा था रिकॉर्ड कर रहा था, ये मेरी सिस्टर बना रही है, और कुछ आइडिया मेरा था इसके अंदर और बाकी वही बना रही थी, क्रेडिट उसी को ही जाता है। अच्छा जी ऑलमोस्ट ये बनती रहती है हमारे घर में बिरयानी। प्याज़ों को ना अच्छी तरह से ना डार्क ब्राउन कर लेना, ठीक है, लाइट ब्राउन नहीं रखने, डार्क ब्राउन करना है इनको, और इसके अंदर डाल देना है जी अपना मैरिनेटेड चिकन। और जी आपने गुलाम अली फूड्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो काइंडली लाजमी कर लें, और टली के बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी तो इसके अंदर जी जब इसको ना आपने भून लेना है, इसको ना तकरीबन 10 मिनट भूनना है, और इसके अंदर टमाटर और लीमू और अदरक कटी लंबी ना लंबी लंबी आपने ना वो डाल देनी है। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद फिर से इसको ना चंगी तरह आपने ना भून लेना है। ठीक है, इतना भूनना है कि ना इसमें से ना ऑयल निकल आए। ठीक है, इसमें से ऑयल निकल आएगा क्योंकि ऑयल डाला हुआ था जब प्याज ब्राउन किए थे। अच्छा जी, इसके साथ आपने ना थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि ना इसके अंदर जो प्याज है ना उसकी ना ग्रेवी ग्रेवी सी बनने लग जाए। ठीक है, वो ग्रेवी टाइप बनने लग जाएगी, तो इसको आपने ना बस भूनते रहना अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है इसकी। ठीक है जी, तो इसको चंगी तरह ना आपने भून लेना। दम बिरयानी बनाने का ना ये जो मेन है ना मेन काम यही है, आपने जी कोरमा बनाना है इसका। ठीक है, चिकन का बन रहा है कोरमा, जिस तरह एक ज़िंदगी में इंसानों का कोरमा नहीं बन जाता, पहले इंसान कच्चे गोश्त की तरह होता है, कोई मुंह नहीं ला रहे होता, तो जी बाद में जब कितने मुश्किल वक्तों से इंसान गुजरता है, जब मुश्किल वक्तों से गुजरता है तो फिर बाद में जब बिरयानी उसकी तैयार होती है ना, तो फिर सारे पैन देने देख लूँ। बस उसी तरह से ना ज़िंदगी का ना ये कह लें कि ना ज़िंदगी भी ये इसी तरह इसी का नाम है, हर इंसान की ज़िंदगी को ना यही दम बिरयानी ना रिजेंबलेंस देती है। तो जी हमने पानी गर्म कर लिया, उसमें चावल डाल लिए पहले भिगोए हुए थे, और जिसमें नमक डाल लिया 2 चम्मच, और साथ में जी ये डाल लिया गरम मसाला साबुत सारा। ठीक है, सारा डालने के बाद इसको आपने ना बॉयल कर लेना चावलों को, चावलों को इतना बॉयल करना है कि वो ज़्यादा गल ना जाए। ठीक है, 80% बॉयल करना, और इसमें इमली का पल्प डाल दिया, इसको छान लिया, इमली की सारी गुठलियाँ बाहर आपने सूट देनी है, बीच में नहीं डाली, नहीं तो मुँह चाहनी है तो जायका ना जायका आएगा लेकिन ना वो उलझन होगी फिर। अच्छा जी चावलों को हमने स्ट्रेन कर लिया, चावल 80% हुए हैं ये दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा गला नहीं देने, नहीं तो फिर पप्पा खाओगे बाद जो, ठीक है ना, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा जी ये कोरमे के अंदर ना नमक थोड़ा सा ना कम था, तो थोड़ा सा और डाल लिया, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया था, तो जी अच्छी खासी ग्रेवी बन गया। हमने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना, इतना रखना कि चावलों के साथ घुल मिल जाए थोड़ा सा। चलें जी चावल हमारे रेडी हो गए हैं, वो हमने एक बड़े देचके में डाल दिए, उसके अंदर जी डाल दिए सारे, अब ये तहें लगाए देनी आपने। ठीक है जी, सारियाँ तहवा तुम्हें ला देनिया ने, पहले चौलों दियाँ, बाद चो कोरमे दियाँ, फिर धनिया पुदीना जो जो आंदा ना सुटियाँ ना बिच, जिन्ना कुछ सुटोगे ना बिच उन्ना तुम मज़ा आएगा। ठीक है, जिन्या रस्मां करोगे, कुछ होर ना सुट देना, इटा रोड़े ना सुट देना, वह बूटियां बूटियां सुटनियाँ कोरमे दियाँ जड़ियाँ बनाइया सन। अच्छा जी इस तरह से आपने ना सारी तैं लगा देनी है। ठीक है, और साथ में जी ये धनिया पुदीना ना सेपरेट काट के रखा हुआ है वो डालना, और प्याज टमाटर लीमू और अदरक आप डाल सकते हैं। ठीक है, अदरक ना डालिएगा बाद में, पहले डाल दिया था जब कोरमा बना रहे थे उसके भूनने के दौरान। ठीक है, तो ये टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और अभी इसकी आप रस्में देखें ये कितनी रस्में की हैं, तो वीडियो छोटी करके लगाई है लेकिन मेहनत थोड़ी सी होती है, पता ना फिर जब मेहनत करें तभी फल मिलता है, और बिरयानी मैं कहता हूँ बैजा बैजा हो गई आज, इतनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आपने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर्स उस निस्बत कम आ जाते हैं। तो जी, जो देख रहा है इसको वो लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी इतनी डिटेल के बाद भी, तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, गुलाम अली फूड्स के नाम से ही है। अच्छा जी, ये सारे ऊपर टमाटर प्याज सारा कुछ लगाने के बाद जी, इसके ऊपर हमने दो तरह के रंग दे दिए इसको। वो क्या क्या है जी? लाल और जी जो जर्दा रंग होता है वो वाला, फूड कलर है दोनों, ठीक है, दुपट्टे रंगन वाला नहीं है रंग। तो जी इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा ना वो पानी में मिक्स करके वो लगा दिए, ताकि इसकी डबल कलर कॉम्बिनेशन आए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितनी सतरंगी बिरयानी बन गई है, इतनी ज़बरदस्त। और जी अभी से मुंह में पानी आ रहा है देख के, कि बस जल्दी से इसको खा लें। अच्छा जी, नीचे आपने ना तवा रख देना, तवे के नीचे चूल्हा जला दिया, पहले तेज़ किया हुआ, बाद में आपने हल्का कर देना। और इसको जी 10 मिनट दम दे देना। दम देने के बाद आप इसकी इसकी खुशबू, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह इतनी प्यारी और मज़ेदार बिरयानी बन गई है, आपने अपना वाकई कहना वाह गुलाम अली वाह, मज़ा आ गया। तो ना लाजमी ऐसी बनाना है, तो ट्राई करनी है, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको बिरयानी लाजमी बताना आपने कमेंट में कि कैसी लगी। तो जी ये अब हम खा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, और साथ में जी रायता बनाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, टमाटर प्याज और खीरे का, और साथ में टिक्का भी बनाया था, वो भी साथ में, और साथ में हमारी बिरयानी। गुलाम अली फूड्स को दें इजाज़त, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।